फ्रेंड, आप लोग कैसे, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ आज मैं नया 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर मैं कुछ नया डिश ट्राई कर रही हूँ। आज मैं इमरती बनाने जा रही हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और स्पेशल डिश में भी ये बहुत ही फेमस है। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने 1 कप उड़द दाल लिए हैं, इसको मैं 4 से 5 घंटे तक के लिए मैंने भूनने के लिए डालूंगी। 2 गिलास पानी डाल करके इधर मैंने इसी कप के मेजरमेंट से मैंने 3 कप के लगभग मैंने चीनी ली थी। कम से कम 200 से 300 ग्राम के लगभग चाशनी बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि उड़द दाल को मैंने 4 से 5 घंटे भूनने के लिए डाले थे। अब मैं इसे छन्नी की सहायता से छान करके ग्राइंडर मिक्सर जार में मैं इसे अच्छे से पीसूंगी। किस तरह का मैं रखूंगी वो मैं आप लोग को अभी ग्राइंड करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं कितना फाइन पेस्ट बना है। आप भी इसी तरह से बना ले और बड़े से बर्तन में परात ले ले एक और उसमें इसको ट्रांसफ़र कर ले। आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे पेस्ट को निकाल करके ट्रांसफ़र करूँगी। अब आप चीनी जो है अब मैं इसकी चाशनी बनाने जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, बड़े से आप देख सकते हैं इसमें आप हल्का सा 1 कप के लगभग आप पानी डालें। आप 1 से 2 कप के लगभग पानी ऐड करके चीनी को मिलाते रहें। इस तरह से डालें, चाशनी बनाए इसको बीच में मिलाते रहें। इस तरह से बराबर से मिलाते हैं, थोड़ी देर में ये गल जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से चाशनी बन चुकी है। आप इसमें कलर ऐड कर ले। इस तरह से उड़द का जो मैंने पेस्ट बनाया था ग्राइंड किए थे उसे इस तरह से आप अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक इस तरह से आप मकते जाएँ। सॉसेज कलर जो बचा था लगभग एक ही थोड़ा सा एक चुटकी के लगभग 1 चुटकी से कम ही था वो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिए हैं। आप इसी तरह से ऐड कर दें और आप चेक कर सकते हैं इस तरह से पानी में डालकर। इसमें आप देख सकते हैं देखिए ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसका मतलब है कि ये अच्छा सा बन चुका है। अब मैं इसकी जलेबी बनाऊँगी। देख सकते हैं आप चाहें तो जो मैंने चाशनी बनाई है उस इलायची फ्लेवर अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं। मैंने उसमें फूड कलर डाला है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो चलिए अब मैं इसे बनाती हूँ। कलर डाल करके आप फूड कलर डाल लें और इसे मिक्स कर लें। आप देखिए पानी इसमें डाल करके आप देख सकते हैं ये ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, मथा चुके हैं अच्छे से। इस तरह से आप भी इसे में हवा भर चुके हैं। अब इसे आप पोलोथीन एक मैं दूध की थैली ले ले या नमक की थैली ले करके उसमें आप इसे सारे को इस तरह से भर लें। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ इसे रबर से अच्छे से बांध एकदम लो फ्लेम कर दे और इसको इस तरह से करके 2-3 लेयर डाल करके तब इसको आप ऐसे ऐसे इस तरह से धीरे धीरे भूजें। हमें तीखी डिजाइन देती है और इसे इसी तरह से मैंने उसे पलट लिए हैं। इस तरह से जितना इसमें आता है उतना ही आप बनाए फ्लैट कला करा ले पैन उसके आप बनाए। मैं छोटे भी साइज का बना रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से आप ही बना ले। कितना ही प्यारा है, मिट्टी बन चुकी है, थोड़ी सी मेरी हल्की सी मोटी लेयर हो गई है लेकिन देखिए पूरे इंग्रिटी की साइज की लग रही है और टेस्ट पूरी इंग्रिटी की तरह आपको मिलेगा। इस तरह से आप इसे कि पूरे रस्से से भरे हुए हैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले और आप इसे सर्व कर सकते हैं। करारी और अच्छी इमरती बनी है, प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करें इस रेसिपी को। और कैसा बना मुझे